मुंह में राम बगल में छुरी कोई भी कर सकता है। बदनाम भी करो, रुकावट भी डालो, सब कुछ काम करेगी ये सत्ता है। और इस सत्ता का पूरा इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। उनको न्याय देना पड़ेगा, उनको पीछे हटना पड़ेगा। जिस तरीके से किसान आंदोलन में पीछे हटना पड़ा, बाहुबली हैं वो, बीजेपी के अतीक हैं, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई बीजेपी नहीं कर रही है। जब किसान आए थे तो सड़कों पर क्या नहीं किया था, पूरे किले ठुकवा दी थी। वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर में कोई आंदोलन ना हो, वो खाना खिलाते, ये वोट की राजनीति है। पूंजीवाद जो है, जो पैसे वाले लोग हैं उन्हीं के बच्चे आगे निकल रहे हैं। गरीबों के बच्चों में सामर्थ्य होते हुए भी और योग्यता होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस वक्त तमाम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं, महिला पहलवानों के समर्थन में इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कहां से आए हैं। सर, क्या लग रहा है, इन बेटियों को न्याय मिल पाएगा? जिस तरीके से सारे देश के लोगों का समर्थन बढ़ता जा रहा है, ये कोई कारण नहीं हो सकता है कि बीजेपी सरकार को झुकना ना पड़े। उनको न्याय देना पड़ेगा, उनको पीछे हटना पड़ेगा। जिस तरीके से किसान आंदोलन में पीछे हटना पड़ा, इस तरीके से इस आंदोलन में भी उनको पीछे हटना पड़ेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी के 6-6 बार के सांसद रहे हैं, इसीलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, देर से हो रही है, क्योंकि तकरीबन 2 महीने के बाद जाके FIR दर्ज हुई है। ये तो सही है, वो बीजेपी के नेता हैं, एक बाहुबली हैं, वो बीजेपी के अतीक हैं, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई बीजेपी नहीं कर रही है। ये तो साफ है, अगर करनी होती, अगर ये न्यायप्रिय होते, बेटियों के प्रति संवेदनशील होते, महिलाओं के प्रति संवेदनशील होते, तो ये जरूर पहले कार्रवाई कर चुके होते। इनमें संवेदनशीलता ही नहीं है, इनमें महिलाओं के लिए सम्मान का कोई बोध ही नहीं है। पहले इन लोगों ने बोला था कि देखो, हम लोगों ने तलाक को लेकर के कितना बड़ा कानून बना दिया। अरे, तलाक का कानून देखने से थोड़ा ही पता चलता है कि आप बहू बेटियों की इज्जत करते हैं नहीं करते हैं। इससे पता चलता है कि आपके सांसद के ऊपर में जब लगे हैं आरोप, आप उसको लेकर के क्या कह रहे हैं। बीजेपी पार्टी ये नारा लेके आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारा ईमान महिलाओं का सम्मान, ये जो वो जो नारा लेकर के आई थी, ये नारा ही है, हकीकत नहीं है। वो हकीकत में इसको नहीं कर रहे हैं। नारा तो बहुत बढ़िया बढ़िया लगाया जा सकता है, नारे तो उन्होंने पता नहीं कितने बढ़िया बढ़िया लगाए। नारों से ये पता नहीं चलता कि उस पार्टी का मूल चरित्र क्या है। मूल चरित्र पता चलता है कर्म से, वो कर्म क्या कर रहे हैं इससे पता चलेगा। मुंह में राम बगल में छुरी कोई भी कर सकता है, बढ़िया बढ़िया कोई भी बोल सकता है, जब करने की बात आएगी तब पता चलेगा ना। कहा जाता है कि जब ये बेटियां गोल्ड मेडल लेके आती हैं तो बीजेपी पार्टी के तमाम नेता एयरपोर्ट पे जाते हैं, स्वागत करते हैं, होटलों में बुलाते हैं, स्वागत करते हैं, मान सम्मान से खाना खिलाते हैं, लेकिन आज जब ये बेटियां प्रदर्शन कर रही हैं तो एक ट्वीट नहीं आया बीजेपी की तरफ से। नहीं, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि वो इनको बुला करके खाना खिलाते हैं और वो करते हैं, वो सम्मान करते हैं, ये बात सच नहीं है। वो खाना खिलाते हैं, ये वोट की राजनीति है। जब वोट की राजनीति में वो किसी के को भी घर पे बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि वो पहलवानों का सम्मान कर रहे थे या खिलाड़ियों का सम्मान कर रहे थे। खिलाड़ियों का सम्मान करना ना करना इस बात पर निर्भर करता है कि खिलाड़ियों को कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनको खेल के साधन कितने दिए जा रहे हैं, उनके साथ अन्याय होने पर उनके साथ आपका सलूक कैसा हो रहा है, उससे पता चलता है। सर, यहाँ तक कहा गया कि महिला पहलवान जंतर मंतर पे हैं तो बिजली काट दी गई, पानी तक रोक दिया गया, ऐसा क्यों किया जा रहा है इनके साथ? साफ बात है, जब किसान आए थे तो सड़कों पर क्या नहीं किया था, पूरे किले ठुकवा दी थी। वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर में कोई आंदोलन ना हो। आंदोलन पर कुठाराघात करना है, आंदोलन को रोकना है, साम दाम दंड भेद सारे चलाने हैं। इनके ऊपर आरोप भी लगाए जाएंगे। अब थोड़े दिन में आप ये भी सुनने लगोगे, ये तो इतने गंदे नेचर की है, इस तरीके के नेचर की है, बदनाम भी करो, रुकावट भी डालो, सब कुछ काम करेगी ये सत्ता है। और इस सत्ता का पूरा इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, पुलिस की मार्फत, ईडी की मार्फत, तमाम जो साधन उनके मार्फत कर रही है कि आंदोलन को कैसे करके हटाया जाए, दबाया जाए, ये तो साफ है। क्या लग रहा है कि इन बेटियों को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिलना तो चाहिए। देखिए, इनके सपोर्ट के लिए ही आए हैं हम, और जिस समय अभी इस देश का माहौल चल रहा है उसमें गरीब हो
चाहे बेटियां हो, कोई वो नहीं है। सत्तापक्ष जो है, पूंजीवाद जो है, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं के बच्चे आगे निकल रहे हैं। गरीबों के बच्चों में सामर्थ्य होते हुए भी और योग्यता होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसका कारण है। और ये जो कह रहे हैं, ये चीज़ें हमने देखी भी है समाज में, चाहे खेलों में, हम लोग उसमें जाते भी हैं और मेरी खुद की बच्चे भी उसमें स्पोर्ट्स में हम देख रहे हैं, तो अनुभव किया है कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं और जो मंत्री जी हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए। देख सकते हैं ये प्रदर्शन कितना उग्र हो चुका है, ये लोग प्रदर्शन जारी रखे हैं और कह रहे हैं कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की जाए। आप चारों तरफ देखिए, बैनर पोस्टर लेके ये लोग जंतर मंतर पे आए हैं और ब्रजभूषण को सजा दो ऐसी मांग कर रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।